सबको जय मसीह की। आज के दिन के सुबह की प्रभावशाली प्रार्थना लीजिए। आंखों को बंद करिए, प्रार्थना को सुनिए। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद तेरी महिमा करता है। इस मसीह तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ कि पिता तो अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर इनके शरीर को स्पर्श करके इनके शरीर के अंदर जो भी बाधा बीमारी बला दुख तकलीफ रोग दर्द दुष्ट आत्माएं उन्हें सदा के लिए नष्ट करके तो महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता इन सब के सारे गुना सारे अधर्मों को क्षमा करके इनके जीवन से हर दुख समस्याओं को नष्ट कर इनके शरीर के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र जादू उठाना कोई भी कारगरी का बंधन है परमेश्वर हर बंधनों को तोड़ दे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते जितने प्रार्थना को सुनने वाले लोग हैं, हे परमेश्वर हर एक के जीवन में तू अपना अनुग्रह आने दे ताकि हे परमेश्वर तेरे अनुग्रह में पले बढ़े और चंगे रहे। हम प्रार्थना करते कि परमेश्वर हर एक के ऊपर तेरा दया दृष्टि बरसे। हे परमेश्वर तू धन्य तेरी महिमा धन्य है पिता, हम तू धन्यवाद के योग्य तू महिमा के योग परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद देते इस बात के लिए कि परमेश्वर तूने पूरी रात इन सबको तूने सुरक्षित रखा भला चंगा रखा अच्छी नींद दिया प्रभु। हे परमेश्वर तूने नई सुबह दिया है परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज के दिन का जो जीवन दिया प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज पूरे दिन इन्हें संभाल कर रखना कि कोई प्रकार की समस्या कोई विपत्ति बीमारी कलेश पत्र कोई दुर्घटना इनके जीवन में न होने पाए। हर प्रकार के बला से इन्हें बचाए रख मेरे प्रभु, हर प्रकार के गुनाह गलती से इन्हें बचाए रख कि कोई गुनाह कोई गलती इनके द्वारा न होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि पिता इनके शरीर के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारगरी का बंधन है, हे परमेश्वर तेरे नाम से आदेश देता हूँ कि हर बंधन यीशु के नाम से टूट जाए, कोई दुष्ट आत्मा की हरकत है तो नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक के जीवन में तू अद्भुत सामर्थ्य अद्भुत चंगाइयाँ आने दे पिता। हे परमेश्वर जितने प्रार्थना को सुनने वाले लोग हैं इनमें से जिसके सर में दर्द हो तो सर का दर्द सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट बेचैनियाँ बिल्कुल निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी निकल जाए, मिर्गी आना बंद हो जाए, झटके की शिकायत दूर हो जाए, आंखों की बीमारी हो तो आंख की बीमारी निकल जाए, कान की बीमारी हो तो कान की बीमारी नष्ट हो जाए, दांत में बीमारी हो तो दांत की बीमारी निकल जाए, गले में गिल्टी हो तो गले की गिल्टियां नष्ट हो जाए, सीने की गिल्टियां निकल जाए, शरीर के किसी भी भाग में गिल्टी हो तो निकल जाए, सीने में दर्द हो तो नष्ट हो जाए, सीने का दर्द सीने का चुभन नष्ट हो जाए, पेट का दर्द पेट का चुभन नष्ट हो जाए, कमर का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठियाबाद की बीमारी साठिका की बीमारी नष्ट हो जाए, ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी निकल जाए, अपेंडिक्स की बीमारी निकल जाए, HIV की बीमारी निकल जाए, TB की बीमारी निकल जाए, कैंसर की बीमारी निकल जाए, कितनी भी पुरानी जख्म है तो सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, प्रभु यीशु के नाम से जिसका लीवर खराब हो जिसका लीवर काम नहीं करता यीशु के नाम से चंगा हो जाए, जिसकी किडनी खराब हो यीशु के नाम से चंगी हो जाए, किडनी यीशु के नाम से चंगी हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी निकल जाए, हार्निया की बीमारी निकल जाए, थायराइड की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, जिसका पैर नहीं चलता चलने लगे, जो लकवे का बीमार है चंगा हो जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता यीशु के नाम से काम करने लगे। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ कि बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से सांस फूलने की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ सांस फूलना बंद हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से हृदय का रोग नष्ट हो जाए, शरीर के किसी भी भाग में पथली पानी बन जाए, प्रभु यीशु के नाम से जुकाम नष्ट हो जाए, खांसी निकल जाए, बुखार निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आ गया बुखार टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, कफ का जकड़न पूरी तरह से दूर हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से कफ का जकड़न नष्ट हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियाँ नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफ़ेद दाग हो तो नष्ट हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ शरीर के अंदर पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ किसी के शरीर के अंदर किसी के घर के अंदर कोई प्रकार की दुष्ट आत्मा तो निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, हे गंदी आत्मा हे शैतान की आत्मा हे दुष्ट आत्मा, तो यीशु के नाम से आदेश देता हूं अब भी इनका शरीर इनका घर इनका परिवार छोड़ो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं जिसके पास संतान नहीं है, यीशु के नाम से उन्हें संतान की आशीष मिले, प्रभु यीशु के नाम से जिसके पास संतान नहीं संतान मिले। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हर एक के घर के ऊपर आशीष दे,
हर एक के परिवार के ऊपर आशीष दे, हर एक के बीवी बच्चों के जीवन में तू आशीष दे कि हर एक का जीवन तेरे आशीष के द्वारा मगर रहे, हर एक मनुष्य स्वतंत्र और भला चंगा रहे। हे परमेश्वर, इनके समस्त परिवार को सुख शांति चंगाई के आशीषों से भर दे ताकि सबके सब आनंदित हो। हम प्रार्थना करते परमेश्वर कि हे परमेश्वर, हर एक के जीवन में जो आज के समय महामारी की समस्या चल रही है, पिता हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, इस महामारी को इनके जीवन से मिटा मेरे मालिक। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर, हर एक के ऊपर जो कोरोना वायरस का असर हो तो नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, अपने लहू से हर एक के शरीर को धो दे ताकि हे परमेश्वर, कोरोना वायरस रूपी महामारी किसी के शरीर को छूने न पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जो जहाँ भी रहे स्वतंत्र और भला चंगा रहे। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हर एक के जीवन में तेरा अनुग्रह होता रहे, तेरा अनुग्रह हर एक के जीवन में उतरे ताकि परमेश्वर, जो इनके जीवन में नाना प्रकार के भय समाया हुआ है, वह भय पूरी तरह से इनके जीवन से खत्म होने पाए, हर डरावनी चीज इनके जीवन से निकल जाए। हे परमेश्वर, जो आज महामारी का भय इनके अंदर समाया हुआ है, उस भय को मैं यीशु के नाम से इनके शरीर से नष्ट करता हूँ। हे प्रभु, तेरे नाम से आदेश देता हूँ इनके अंदर के भय बिल्कुल खत्म होने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते कोई शैतान की आत्मा इस भय को उत्पन्न किया है तो शैतानों को नष्ट करो, नहीं चंगा कर। हे परमेश्वर, इनके अंदर हिम्मत और बल की आत्मा दे, जहाँ भी रहे हे परमेश्वर, तेरे नाम से बलवंत रहे। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, तूने कहा जो मनुष्य विश्वास करता कभी लज्जित नहीं होता, ये सब के सब तेरे विश्वास, इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर मेरे प्रभु, क्योंकि हे मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते क्योंकि तूने कहा मैं तुझे बहेली की जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों की आड़ में ले लूंगा, तू मेरे परों के नीचे शरण पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। पिता, वचन के अनुसार इनसे प्रार्थना करता, शैतान रूपी बहेलियां जो इनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहा है, शैतानों को नष्ट कर, उन्हें चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। हे परमेश्वर, तू भारी अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, अपने भारी अनुग्रह से इनके जीवन को बचा मेरे प्रभु, ताकि हे परमेश्वर, जो कोरोना वायरस से जकड़े हुए पिता, उनको उस वायरस के शंगुल से छुड़ा मेरे प्रभु, उनके शरीर को बिल्कुल नॉर्मल कर। हे परमेश्वर, जो वायरस पूरे देश के अंदर फैला हुआ है, उन वायरसों को हे परमेश्वर, तू जला कर नष्ट कर मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते इन महामारियों को मिटा प्रभु। हम प्रार्थना करते विश्व के जिन जिन देशों में हे परमेश्वर वायरस फैला हुआ है, उन देशों में अपने अग्नि का ज्वाला भड़का मेरे प्रभु, कि वह आग का ज्वाला हर वायरस को जला कर नष्ट करे मेरे प्रभु, शैतान के सारी योजनाओं को फेल कर मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, आज से हे परमेश्वर, यह वायरस घटना चालू हो जाए, आज से यह वायरस घटना चालू हो जाए, जो आज तक बढ़ता रहा मेरे प्रभु, ये महामारियां जो बढ़ती रही मेरे प्रभु, आज से हे परमेश्वर, दिन प्रतिदिन कम होना चालू हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, हम विश्वास रखते हैं, हे परमेश्वर, हम विश्वास रखते हैं कि तू ऐसा करेगा। हाँ मेरे प्रभु, क्योंकि तेरे वचन में लिखा हुआ है कि हे परमेश्वर, तूने कहा है प्रार्थना में जो कुछ मांगते हो समझो मिल चुका, सच में मिल जाएगा। हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु, हर एक का जीवन मांगते हैं हे परमेश्वर, इस महामारी की खात्मा मांगते हैं प्रभु, इस कोरोना वायरस का खात्मा मांगते हैं प्रभु। हमें विश्वास है कि आज वायरस खत्म होना चालू होगा, आज से वायरस खत्म होना चालू होगा, आज से महामारियां घटना चालू हो जाएगी, मरने वालों की संख्या घटनी चालू हो जाएगी। हाँ मेरे महान प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि तू हर एक के ऊपर तू अपने हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर, महामारी की तकलीफों को, उसके श्राप को बिल्कुल खींच रहा है प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु, हम विनती करते हैं परमेश्वर, ऐसा होने दे, क्योंकि हे परमेश्वर प्रभु, हे परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा हुआ है कि जो कोई विश्वास करता लज्जित नहीं होता। हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमें विश्वास है कि तू लज्जित होने नहीं देगा, क्योंकि प्रभु आगे वचन में लिखा हुआ, यदि मनुष्य एक राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, उस पेड़ से कहते दरिया में लग जा, पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर, राई के दाने के बराबर उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए उन्हें चंगा कर, कि हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर जितनी भी तकलीफें वह दूर हो जाए, घर की तकलीफें दूर हो जाए परमेश्वर, इनके परिवार की तकलीफें दूर हो जाए हे परमेश्वर, गांव नगर के बीच में कोई प्रकार की तकलीफें हो तो महामारियां हो तो नष्ट हो जाए, हर जिले की महामारियां नष्ट हो जाए, हर राज्य की महामारियां नष्ट हो जाए, इस भारत देश की महामारियां नष्ट हो जाए और अन्य देशों की महामारियां नष्ट हो जाए। ये भारत देश हे परमेश्वर, तेरे आशीष के द्वारा फलवंत रहे। हे परमेश्वर, तेरे क्रूस का लहू इस पूरे भारत देश के अंदर दौड़ना चालू करे और हर उन महामारियों को जलाकर नष्ट करे मेरे महान प्रभु, ऐसा होने दे, क्योंकि हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस भारत देश के प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उत्तर प्रदेश के जितने हे परमेश्वर जो
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है और अन्य प्रदेश के जितने मुख्यमंत्री परमेश्वर हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं कि हर एक के ऊपर आशीष दे, उनके घर उनके परिवार के लोगों के ऊपर आशीष दे, उन्हें अपनी ज्ञान अपनी बुद्धि से भर दे मेरे प्रभु, ताकि सही ढंग से परमेश्वर आत्मा के सच्चा आत्मा और सच्चाई से इस देश की रक्षा करने पाए, इस देश को संभालने पाए मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि वह परमेश्वर हर मंत्रियों के लिए, हर शासन प्रशासन के अधिकारियों के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने ज्ञान बुद्धि से तृप्त कर मेरे प्रभु, रहे परमेश्वर अपने आशीषों से भर दे, ताकि उनका जीवन उनके बीवी बच्चों का जीवन सुख शांति से भरा रहे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इन सभी शासन प्रशासन के लोगों को, हे परमेश्वर अपने आशीषों से ढाप, अपनी ज्ञान बुद्धि से भर दे, ताकि हर एक मनुष्य का न्याय अच्छे ढंग से करने पाए। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक के भीतर हे परमेश्वर तेरी आत्मा वास करे, सबके सब हे परमेश्वर नम्रता में होकर ते हे परमेश्वर देश की सेवा और जनता की सेवा करने पाए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर हर एक के ऊपर हे परमेश्वर तेरा प्यार बरसे, हर एक के ऊपर तेरा अनुग्रह हो, ताकि हे परमेश्वर तेरे अनुग्रह में सबके सब पले बड़े चंगे हो। हम प्रार्थना करते परमेश्वर आज से हर एक का जीवन तेरे आशीष के द्वारा फलवंत होगा। हम आशीष मांगते हैं परमेश्वर जितने प्रार्थना को सुनने वाले लोग हैं, हे परमेश्वर हर एक के शरीर के ऊपर आशीष, हर एक के घर के ऊपर आशीष, हर एक के परिवार के ऊपर आशीष, हर एक के बीवी बच्चों के जीवन में आशीष, हर एक के रोजी रोजगार के ऊपर आशीष। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ इस भारत देश के अंदर जो बंदी चल रही है, हे परमेश्वर जो कर्फ्यू लगा हुआ है, जो लॉकडाउन है, हे परमेश्वर बिल्कुल 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 वह नष्ट होने पाए, वह लॉकडाउन बिल्कुल खत्म होने पाए, हे परमेश्वर हर गाउटे टूटने पाए। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो इस देश के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है, जो लॉकडाउन चल रहा है पिता, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इन महामारी के वजह से इन महामारियों को नष्ट कर, ताकि हे परमेश्वर इस देश का लॉकडाउन खत्म होने पाए, हे परमेश्वर कर्फ्यू हटने पाए, जिससे कि हे परमेश्वर इस देश की जितनी जनता है पिता, हर कोई अपने काम धाम में लगे और तेरी स्तुति आराधना में लगे, हे परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करने वाले तेरे नाम की महिमा में लगे। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक के जीवन में तेरी स्वतंत्रता लागू हो, हे परमेश्वर हर एक को सुरक्षित कर मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस देश के ऊपर से इन महामारियों का कब्जा हटा, ताकि यह देश पूरी तरह से तेरे आशीष के द्वारा स्वतंत्रता पाए। हाँ मेरे महान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस देश के सभी लोगों के जीवन को मेरे प्रभु हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। हे परमेश्वर हर एक के जीवन को तू अपने आशीषों से ढांप ले, ताकि सबके सब तेरे आशीषों में पले बढ़े और चंगे रहे मेरे महान प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ इस मसीह तेरे नाम से हर के लिए तेरी आशीष और चंगाइयां मांगते हैं, आमेन। धन्यवाद। परमेश्वर हर एक को आशीष दे, आमेन।